मेरी यहाँ से ब्रुसेल्स का कनेक्शन था, वो फ्लाइट कैंसिल होगी, उसके जगह उन्होंने मेरे को वियना भेज दिया। वियना के बाद फिर मैं ब्रुसेल्स जाऊँगा, फिर ब्रुसेल्स से जाऊँगा फ्री टाउन, तो एक फ्लाइट एक्स्ट्रा बढ़ा दी जैसे मैंने बताया। और बहुत टाइट टाइट है सारी फ्लाइटें 30 मिनट के बाद, जो कि पॉसिबल ही नहीं यार। इनका धंधा तो बेकार है वैसे यूरोप वालों का, हर बार कुछ ना कुछ होता है। मेरी इमिग्रेशन भी होगी, मतलब इन्होंने स्टैम्प मारी कि मैं आ गया शेंगेन टेरिटरी में, और उसने बोला 10 मिनट की वॉकिंग है, ऐसे चलता था 10 मिनट में तो फ्लाइट ही उड़ जाएगी, मेरा बैग भी जाएगा शायद। सही में ऐसे लगने लग रहा है मन मैं किसी अरब देश में आ गया। सारे लोग, मतलब सच बताऊं तो 80-90% लोग मेरे को वो दिखे जो यहाँ के 100% नहीं है। और जो गोरे भी यहाँ पे दिख रहे हैं 10-15%, उसमें भी कोई भरोसा नहीं कि वो बेल्जियम की है। क्या पता आसपास के देशों के, जर्मनी के, फ्रांस के, स्विट्जरलैंड के, नीदरलैंड्स के, कुछ नहीं पता। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो से इंडिया के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप लोग जानते हो मैं रिसेंटली आया था इंडिया वापस अपने वेस्ट अफ्रीका का ट्रिप पॉज करके, लेकिन अब मैं वापस निकल रहा हूँ कहाँ, सीरा लियोन के लिए। जी हाँ, पहले मेरी यहाँ से फ्लाइट है ज्यूरिख जो कि स्विट्जरलैंड में, वहाँ से फिर मैं जाऊँगा ब्रुसेल्स जो कि है बेल्जियम में, और ब्रुसेल्स से फिर मैं फ्लाइट लेके पहुँचूंगा फ्री टाउन जो कि कैपिटल है सीरा लियोन की वेस्ट अफ्रीका में। जी हाँ, फरवरी का महीना चल रहा है, आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और फाइनली मैं अपना ट्रिप रेज्यूम करने वाला हूँ। सारी चीज़ें काफ़ी स्मूथली हुई थी, एक घंटे में चेक इन, इमिग्रेशन और सारी चीज़ें, पता नहीं आज भीड़ भी कुछ खास मिली नहीं। और अब मैं आ गया अपने गेट की तरफ, 17 नंबर गेट है, स्विस एयरवे से मैं फ्लाई करने वाला हूँ। 1:45 की मेरी फ्लाइट है और अभी लगभग 15-20 मिनट पड़ी है बोर्डिंग स्टार्ट होने में, चल के गेट पे बैठते हैं अपन। दिल्ली एयरपोर्ट पे मैं हमेशा की तरह 3-3.5 घंटे पहले पहुंच गया था काफ़ी टाइम से आज, लेकिन आज तो 1 घंटे के अंदर ही सारा काम हो गया, सिक्योरिटी, चेक इन, इमिग्रेशन, और 1 घंटे के अंदर तो मैं बोर्डिंग गेट पे पहुंच लिया था। चलो भाई फ्लाइट बोर्ड करते हैं, नीचे जा रहे हैं भाई एयरपोर्ट पे। मैंने हल्दीराम से ये काजू से और मिल्क केक ले लिया रास्ते में खाने के लिए। भाई अपन ज्यूरिख आ तो गए ज्यूरिख के एयरपोर्ट पे, लेकिन एक लफड़ा हो गया, पता है जो मेरी फ्लाइट थी ना ब्रुसेल्स की, वो होगी कैंसिल। और अब जो अगली फ्लाइट इन्होंने मेरे को दी है ना, वो 1 घंटे बाद की है, और पहले वाली मेरी 2 घंटे बाद की थी। तो भाई ब्रुसेल्स की जगह मेरी फ्लाइट रीडायरेक्ट कर दी वियना, पहले वियना जाऊँगा, वियना से फिर ब्रुसेल्स जाऊँगा, और फिर ब्रुसेल्स से जाऊँगा मैं फ्री टाउन सीरा लियोन। और सारे कनेक्शन है 30 मिनट 50 मिनट 1 घंटा, ऐसे बहुत टाइट कनेक्शन है। और अभी 30 मिनट रहेगी मेरी वियना वाली फ्लाइट छूटने में, सिक्योरिटी भी इतनी बड़ी लाइन थी, पीछे इतनी भीड़ थी, बहुत देर लगी। बाकी ट्रांसफर डेस्क पे बात करता हूँ, बाकी कल की टिकट दे दे। तो भाई ये वाली दे दी मेरी, और टाइम अभी ऑलरेडी हो गया 6:55 गेट ए 66 पे, जल्दी जाके बात करता हूँ। भाई अभी तो ट्रांसफर डेस्क की नहीं आया, उधर से मेरे को बोर्डिंग पास मिलेगा अगली फ्लाइट का, वो बोर्डिंग पास लेके फिर मैं गेट ए 66 पे जाऊँगा वियना की फ्लाइट लेने। फिर तो छुट्टेगी भाई 100%, अब मुझे इन्हें मनाना है कि मेरा बैग रोक लो किसी तरह, फिर देखेंगे आगे की। पीछे इमिग्रेशन थी और 7 बज चुके ऑलरेडी, 7:25 की वियना की फ़्लाइट है, इन्होंने मेरा सामान शायद वियना की फ़्लाइट में चढ़ा दिया होगा या पता नहीं, फ़्लाइट तो छुट्टेगी छुट्टेगी भाई, 25 मिनट में फ़्लाइट है, कोई भी नहीं है, जिन्हें बाहर जाना था वो इमिग्रेशन लाइन में लग गए। अब मेरी यहाँ से ब्रुसेल्स का कनेक्शन था, वो फ़्लाइट कैंसिल होगी, उसके जगह इन्होंने मेरे को वियना भेज दिया। वियना के बाद फिर मैं ब्रुसेल्स जाऊँगा, फिर ब्रुसेल्स से जाऊँगा फ्री टाउन, तो एक फ़्लाइट एक्स्ट्रा बढ़ा दी जैसे मैंने बताया। और बहुत टाइट टाइट है सारी फ़्लाइटें 30 मिनट के बाद, जो कि पॉसिबल ही नहीं यार, इससे बढ़िया कल की फ़्लाइट देते हैं मेरे को। अब भागता हूँ, कोई भी नहीं है यार यहाँ पे, तो मेरे को कोई भी नहीं दिख रहा यार किधर आगे यार, ये तो सारे क्लोज्ड है, क्लोज्ड। भाई 2 बार तो इनकी सिक्योरिटी चेक हो चुके, फ़्लाइट लैंड होने के 50-60 मिनट बाद अगली फ़्लाइट थी, और 2 सिक्योरिटी चेक के बाद ही टाइम हो गया सर, अभी 20 मिनट बच रही है, क्या तो मेरे को बोर्डिंग पास देंगे। अभी तक ट्रांसफ़र डेस्क ही नहीं मिला मुझे, मैंने इमिग्रेशन पूछ लिया, सिक्योरिटी से पूछ लिया, एयरपोर्ट स्टाफ से, हेल्पर, क्लीनर, सबसे पूछ लिया, इतनी दूर तो पहले ट्रेन ली, फिर 2 सिक्योरिटी चेक हो चुके, अभी भी ढूंढ ही रहा हूँ ट्रांसफ़र डेस्क। इमिग्रेशन होगी भाई, ये देखो अब मेरे को ट्रांसफ़र डेस्क जाना है, ऐसे चल के फ्लाइट उड़ने में भाई 10 मिनट, और मेरी इमिग्रेशन भी होगी, मतलब इन्होंने स्टैम्प मारी कि मैं आ गया शेंगेन टेरिटरी में, वो तो मेरे पास वीज़ा था शेंगेन का, नहीं होता तो खैर ये मेरे को दिल्ली से चढ़ने भी देते, बहुत सख्ता ही है, पर नहीं होता तो बाई चांस क्या करते, मतलब पहले इमिग्रेशन पार करना है उसके बाद जाना पड़ेगा ट्रांसफ़र डेस्क पे, मतलब कि एयरपोर्ट के एंट्रेंस पे वो। और उसने बोला 10 मिनट की वॉकिंग है, ऐसे चलता था 10 मिनट में तो फ्लाइट ही उड़ जाएगी, मेरा बैग भी जाएगा शायद, आज मेरे को ज्यूरिख रुकना ही पड़ेगा, तो बिना बैग के रुकना पड़ेगा शायद,
और मेरे को वहाँ ब्रुसेल्स मिलेगा, पता नहीं फ्री टाउन मिलेगा आपको, ये रहा भाई। पर इमिग्रेशन ऑफिसर जो था ना बहुत स्वीट था, वो बहुत हेल्पफुल था। एयरपोर्ट तो सही है, बाकी यार ये बस मेरे को ऐसा फील हुआ कि थोड़ी स्टाफ की कमी है और थोड़ी मैनेजमेंट कम है, और जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो काफी स्वीट है। लेकिन मतलब सभी बहुत मदद कर रहे थे जिससे भी पूछ रहे थे ना। हालांकि इस एरिया में स्विट्जरलैंड में जर्मन बोलते हैं, डॉइश, कुछ जगह इटालियन बोलते हैं, कुछ जगह बोलते हैं फ्रेंच, इधर बोलते हैं जर्मन। किसी को इंग्लिश नहीं भी आ रही थी तो किसी और से पूछ के मदद करवा रहे थे। यूं लोग बढ़िया यार, काफ़ी हेल्पफुल जितना भी स्टाफ था, पर थोड़ी मैनेजमेंट कम है यार। एक आधे डेस्क और होने चाहिए थे, और लोग कम है पूछने के लिए, लोग ही नहीं है, खाली है बिल्कुल। वो रहा भाई फाइनली सामने। बाकी मेरे बैग में ये टैग था, लोकेशन अपडेट नहीं हुई। मेरे को तो डर लग रहा है कि दिल्ली ना छूट गया, क्योंकि लास्ट लोकेशन दिल्ली की दिखा रहे हैं 12 घंटे पहले की, तो ट्रैक नहीं कर पा रहा मेरा बड़ा बैग का है। इस वाले बैग की तो दिखा रहा है लोकेशन, उसकी नहीं दिखा रहा। ये भी पूरा खाली पड़ा है भाई, सारे डेस्क, सिर्फ 2 डेस्क काम कर रहे हैं और इतने लोग भाई। इन्हें एयरलाइन वालों के पंखे पाट गए, इनके समझ भी नहीं आई, बोले कोई फ्लाइट नहीं है, और बोले कल भी नहीं है फ्री टाउन की कोई फ्लाइट, बोले हमें कुछ समझ भी नहीं आने लग रहा, आप जाके आराम करो थोड़ी देर। तो इनने मेरे को ये वाउचर दे दिया, एम जिलिग नाम था उस लेडी का जो काउंटर पे थी मेरे से बात कर रही थी। बोले इनमें से किसी भी एक कैफे पे जाके बैठ जाओ, और ये कॉम्बो 2 है, अभी 7:30 बजे सुबह के, 7:35 और बोल रहे 9 बजे आना वापस। मैं बोला भाई क्या सोल्यूशन है, वो बोली सर आई हैव नथिंग। बोली नथिंग मीन्स जीरो। परेशान होगी वो भी बेचारी, थोड़ा रूड सा भी हो रही थी, पर तंग हो गई थी बहुत देर से लैपटॉप पे ढूंढे जा रही, उसके कुछ समझ भी नहीं आ रहा। बोली 1.5 घंटे बाद आना, हम बात करते हैं सीनियर से, ये वो कोई फ्लाइट ढूंढेंगे, कल की भी नहीं मिल रही उन्हें कोई। इनका धंधा तो बेकार है वैसे यूरोप वालों का, हर बार कुछ ना कुछ होता है। मैंने तो जैकेट उतार दी एक बारी, टी शर्ट में आराम से बैठते गई। ये है रे वो एक कैफे, जो इन्होंने 2 कैफे बताए थे उनमें से एक तो ये है जिस पे खा सकते हैं, पर बैठने की तो जगह नहीं दिख रही। भाई खाने की वीडियो बनाना तो भूल गया, इधर एक चीज़ सैंडविच था, बाकी चिकन विकन कुछ नहीं था, इनके पास पोर्क था सिर्फ, तो मैंने वेजिटेरियन ले लिया, और इसमें कॉफ़ी थी। 9 बजे आने को बोला था उन्होंने, 9:06 हो गई, अब चलते वापस। भीड़ तो कई गुना बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 1/2 घंटा मिनिमम लगेगा। 9:45 हो गए भाई, और इतनी धीरे धीरे काम कर रहे हैं वो ट्रांसफर डेस्क वाले, 2 ही डेस्क ऑपरेशनल है, और लाइन इतनी लंबी लगी हुई है। तो अभी तक सिर्फ एक जना खिसका आगे, मतलब जिसकी बारी हो चुकी, 1/2 घंटा में लाइन में लगा रहा, और एक ही जने का नंबर मतलब पूरा रिजॉल्व हुआ था, फिर वो अगला बंदा लगा। इस हिसाब से तो 2-3 घंटे लग जाएंगे, तो मैंने सोचा आगे साइड में बैठ ही जाता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं खड़े रहने का, बेकार है यार। आजकल पता नहीं हर जगह इन एयरलाइन इतनी घटिया होगी, हर बार अफ्रीका में तो चलो मैंने सोचा ठीक है, यहाँ तो होता ही होता है, यूरोप में भी हर बार होने लग गया। भाई सुबह के बज गए 10:30, और काफ़ी देर में तो नंबर आया उनके ट्रांसफर डेस्क पे। जब नंबर आया तो वो लेडी बोली कि आप इकलौते ऐसे आदमी थे जो उस फ्लाइट में नहीं चढ़े, जो हमने आपकी वियना की फ़्लाइट दी थी, मतलब फ़्लाइट लैंड होने के 50 मिनट बाद तो अगली फ़्लाइट थी, जिसमें से 2 सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स और इमिग्रेशन भी आया। हाँ, हो सकता है कोई लोकल रेजिडेंट हो जिसको इमिग्रेशन के थ्रू ना जाना पड़े, तो उसकी वो 5-10 मिनट बच गई, लेकिन कैसी बेवकूफ़ी भरी बात है, कोई कैसे पहुंच सकता है वहाँ से, बोर्डिंग पास भी लेके और सीधा फ्लाइट भी बोर्ड कर ले और उसका सामान भी आ जाए, इम्पॉसिबल है। मैं बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, और मेरे बाद लोग आने लगे जबकि मैं तो थोड़ा जल्दी आया हूँ। मैं बोला मेरे बाद ये लोग बैठे, इनकी भी मिस हुई है, तो बोले नहीं ऐसा नहीं है, झूठ बोल रही थी वो, साफ बात है। पर फिर अब उन्होंने मेरे को बहुत ही लंबा कनेक्शन दिया है भाई, अब मैं ऐसे जाऊँगा ब्रसल्स, जो कि 12:50 की दोपहर की फ़्लाइट है, 2:30 बजे मैं ब्रसल्स पहुँचूँगा, वहाँ पर मेरे को होटल मिलेगा, मेरे को जाके SN ब्रसल एयरलाइन से कॉन्टैक्ट करना है, वो होटल लेंगे, फिर उसके बाद मैं रात वहाँ रुकूँगा, और कल मैं जाऊँगा वहाँ से ब्रसल से कैसाब्लांका एयर मारोक के साथ, दूसरी एयरलाइन के साथ इन्होंने मेरे को टिकट दिया, और कैसाब्लांका से अब मैं पहुँचूँगा फ्री टाउन परसों सुबह 4:45। तो भाई कल इंडिया से शुरू हुआ था, कल का दिन तो चलो क्या रात ही थी, कल की रात आज का दिन पूरा जाएगा, कल का दिन पूरा जाएगा, और परसों पहुँचूँगा, तो 3 से 4 दिन। इसलिए भाई मैं ज़्यादा कंट्रीज एक साथ करता हूँ, स्पेशली जो ऐसी कंट्रीज इधर की फ़्लाइट्स नहीं मिलती डायरेक्ट, और अफ्रीका वगैरह, हिम्मत मारनी पड़ती है भाई, 2-3 दिन तो लगती है एक साइड जाने में और आने में, और एक भी फ़्लाइट इधर उधर होगी, डिले होगी, कैंसिल होगी, तो सारा ख़राब हो जाता है, पूरी आइटिनरी कैसी तैसी हो जाती है। कोई नहीं, अब बाहर बारिश आने लग रही है, बाकी ज्यूरिख में अच्छा मौसम है, सर्दियों के कपड़े मेरे पास है नहीं, मैंने सोचा अफ्रीका जाना था, और उसके बाद अगर यूरोप आना हुआ 3 अप्रैल में, तो ठंड का जुगाड़ तब देखूंगा, मेरे पास कुछ नहीं है अभी फिलहाल, एक वो पतली सी जैकेट है, तो मेरे ख्याल से बाहर निकल के अब एक दिन मेरे को ब्रुसेल्स रुकना है, तो जरूरत पड़ी तो कुछ खरीद लेंगे, नहीं तो चला लेंगे काम। गेट A56 है मेरा अब अगली फ्लाइट का ब्रुसेल्स की। बोर्डिंग हो रही है भाई स्टार्ट फाइनली, अब बारिश हो रही है और फुल ठंड है,
मार्केट है भाई ब्रुसेल्स में बेल्जियम। यहाँ मौसम थोड़ा सा ठीक लग रहा है, पहले तो धूप थी आसमान में बादलों के ऊपर, पर बादलों के नीचे आते ही दोबारा फिर वैसा ही मौसम हो गया, पर बीच बीच में आ रही है धूप। ज्यूरिख में तो ठंड थी यार बहुत, और मेरे पास सर्दी के कपड़े आए नहीं, ये फिर भी थोड़ा सा ठीक लग रहा है। इमिग्रेशन की तो अब जरूरत है नहीं, क्योंकि एक तरह से डोमेस्टिक ही फ्लाई करा हमने यूरोप में, अलग कंट्री में भी जाओ तो डोमेस्टिक ही है, शेंगेन टेरिटरी में एक जगह स्टैंप लगी बहुत है। यूरोप में ना अराइवल डिपार्चर मिक्स होता है, पता ही नहीं चलता, क्योंकि इमिग्रेशन तो मोस्टली जगह होती नहीं टर्मिनल्स पे, तो निकलते ही मेरा अराइवल है लोग यहाँ से जाने लग रहे एकदम से गेट्स आगे। अब देखो ये है मेरा डिपार्चर और उधर लिखा बैगेज वहाँ पे है। मेरे को डर था बाकी मेरा बैगेज ज्यूरिख में ना छोड़ दे, क्योंकि एक बार पहले हुआ है मेरे साथ ऐसा यूरोप में भी, पोलैंड गया था शायद मैं, पेरिस है कहाँ से, तो मेरा बैग इन्होंने पीछे ही छोड़ दिया था, पर मैंने एयरटैग डाल रखा था बैग में, मैंने ट्रैक कर लिया, बैग आ तो चुके इधर एयरपोर्ट पे, तो खोया तो नहीं है बैग अपना, मिल जाएगा उस होटल के बैगेज बेल्ट पे लेते हैं। सारी चीज़ एकदम मिक्स ही है, समझ में नहीं आ रहा। यहाँ से एग्जिट करके फिर अपने को ब्रुसेल एयरलाइंस का ऑफिस ढूंढना है, क्योंकि ब्रुसेल एयरलाइन की स्विस एयरलाइन से पार्टनरशिप थी इस फ्लाइट के लिए। चलो ये बैगेज बेल्ट आ गई, बाकी मेरी उम्मीद से बड़ा ही है एयरपोर्ट, मैंने सोचा नहीं था ब्रुसेल में भी एयरपोर्ट इतना बड़ा होगा, ठीक ठाक बड़ा है मतलब, बहुत ज़्यादा भी नहीं, पर बैगेज बेल्ट से बैग लेके इधर इन्फॉर्मेशन है, इधर ही पूछ लेंगे पहले तो बाहर निकलने से पहले। आ जा। बहुत दिन बाद ट्रैवल किया ना, बैग भारी लग रहे यार एकदम, रिकॉर्डिंग भी ठीक से नहीं होती, कई दिन बाद दोबारा ट्रिप पे निकलो तो बैग्स भी भारी लगते हैं, पहले दो तीन दिन टाइम लगता है दोबारा एक्लिमटाइज होने में। अपन करेंगे भाई यहाँ से एग्जिट, इधर से एग्जिट निकल के दोबारा डिपार्चर में जाके एसएन यानी कि ब्रुसेल एयरलाइंस का जो ऑफिस है उस ऑफिस में जाके करना है। चलो मैंने जो नया आईफोन लिया है ना 15 प्रो मैक्स, नई वीडियोस 15 प्रो मैक्स आ रही है, इसमें कैमरे में बहुत दिक्कत है, आधी वीडियोस रिकॉर्ड होती है और मतलब मेरी तरफ से रिकॉर्ड हो रही है पर बीच में बंद हो जाती है रिकॉर्डिंग और अपने आप रुक जाती है, इतनी वीडियोस मेरे को दोबारा बनानी पड़ रही है और इतने अच्छे शॉट्स कहीं मिस ही हो गए, और मेरे साथ नहीं सभी के साथ ये दिक्कत है जो जो यूज़ कर रहे हैं फोन। आज की वीडियो में कितने एयरपोर्ट दिखा दिए आपको, थोड़ा सा दिल्ली एयरपोर्ट, फिर उसके बाद ज्यूरिख एयरपोर्ट, अब ये ब्रुसेल्स एयरपोर्ट, ये आ गया भाई ब्रुसेल्स एयरलाइंस के खूब सारे यहाँ पे काउंटर, अब किसी पे चल के बात करते हैं। अब मेरे को इन्होंने इधर भेज दिया, बोले ये सर्विस सेंटर है इधर जाके बात करो, चलो भाई इधर करते हैं। दोस्तों अपना काम हो गया, मेरे को ब्रुसेल्स एयरलाइंस के काउंटर में मिला एंथनी, एंथनी था भाई बढ़िया बंदा, उसने मेरा अच्छे से जवाब दिया, बात करी, सब समझाया, होटल ढूंढे, उसने मेरी ईमेल पर फ़ोन नंबर पर एक लिंक भेजा, वो लिंक खोलते ही मेरा ब्रुसेल्स एयरलाइंस के वाउचर सारे लोड हो गए। मेरे को होटल के मिले 3-4 ऑप्शन, अपनी पसंद का कोई भी होटल सेलेक्ट कर लो, जिसमें से एक शेरेटन था, मेरा शेरेटन में ही रुकने का मन था क्योंकि वो बिल्कुल एयरपोर्ट पे ही है, 0 किलोमीटर था, बाकी जो होटल्स थे वो 2-3 किलोमीटर दूर थे, पर जैसे मैंने शेरेटन पे क्लिक करा वो उसी सेकंड किसी और ने बुक कर दिया और वो बुक आउट हो गया, तो वो बुक नहीं हुआ। फिर वो मेरे को एंथनी बोला कि ना हॉलीडे इन करा लो, लग्जरी के मामले में सारे होटल्स बराबर है जिन जिन के भी ऑप्शन आ रहे हैं, और हॉलीडे इन यहाँ से और सिटी सेंटर के बीच में आप फिर उधर भी जा सकते हो इधर भी आ सकते हो, दोनों चीज़ें कन्वीनियंट रहेगी, तो मतलब ठीक है भाई तेरी बात मानते और कर दे। तो एंथनी की बात माननी है अपन ने और अब चलेंगे हॉलीडे इन, टैक्सी का यहाँ से हॉलीडे इन जाने का खर्चा और वापस आने का खर्चा भी इंक्लूडेड है, रिमबर्स हो जाएगा वो, मतलब जैसे ही टैक्सी का बिल आए उसकी फोटो खींच के अपलोड कर दो और तुरंत वो आपके बैंक में वापस आ जाएंगे, बैंक अकाउंट डिटेल्स डाल दो। इसके अलावा मील्स मैंने बताया लंच इंक्लूडेड नहीं है, डिनर और कल का ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है बोला, लेकिन अभी आप जो भी लंच करोगे वो आप ऑप्शन आता है कस्टमर सर्विस का उसका बिल वहाँ पे अपलोड कर दो, वो भी हम आपके रीइंबर्स कर देंगे। तो आफ्टर सर्विस काफ़ी अच्छी थी भाई ब्रुसेल एयरलाइंस की, चाहे जो भी हुआ फ्लाइट कैंसिल हुई बाद में सर्विस देने में कोई कमी नहीं छोड़ी, मज़ा आया एक्सपीरियंस में, जो भी परेशान तो देखो होते ही इन सब चीज़ों में, पर चीज़ें स्मूथली होगी, कहीं भी इतनी ज़्यादा हैसल हुई नहीं। वैसे तो अपने पास टैक्सी के वाउचर थे लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने में मज़ा आता है यार, तो बस का तो मेरे को समझ में नहीं आया लेकिन ट्रेन का -1 पे, और ट्रेन की टिकट नीचे मशीन से मिल जाएगी, तो मैंने सोचा वापस अंदर चलते हैं एयरपोर्ट में ही, और एयरपोर्ट के नीचे ही ट्रेन स्टेशन है वहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं। आ गया भाई ट्रेन स्टेशन और ये सामने टिकट्स भी आ गई, शायद वायरलेस ही कार्ड से पेमेंट हो जाएगी। ये हो गया जिससे जाना है, ये जिधर पहुँचना है भाई, 9 यूरो गए, कट गए भाई मेरे कार्ड से 9.1 यूरो, ले भाई 900 रुपये की टिकट पड़ी है ये, और जबकि टैक्सी फ्री थी अपनी 20 यूरो दिखा रहा टैक्सी के, इंडिया के 1600-1700 रुपये की फ़्री थी वो, लेकिन अपन ने 900 रुपये दिए जान करके ट्रेन में जाने के टैक्सी की तरह, क्योंकि यार बेल्जियम पता नहीं अब कब आना होगा, इनकी ट्रेनें भी देखते हैं ना। स्कैन द टिकट, इधर स्कैन होगी, हो जा रहा है खुल जा, वाह रे अपन तो एक्सपर्ट निकले। अरे यार अच्छा ट्रेन के चक्करों में पड़े, बहुत ही परेशान हो गए,
है ही नहीं अभी, ट्रेन आधे घंटे बाद हो रही है, यहाँ पे आने में मेरे को 10-15 मिनट लग गए, यानी कि एक घंटा तो अपना ख़राब हो गया। ऊपर से 9-10 यूरो भी लगे, ऊपर से अभी ट्रेन भी नहीं, और यहाँ बैठ के इंतज़ार करो, तक की ट्रेन देखने चक्कर में इतना टाइम वेस्ट और कर दिया यार, निकल ही जाते इसे तो टैक्सी में, बताओ डिले है ट्रेन इनकी, अब यहाँ बैठना है। और यार फ़ोन ने परेशान कर दिया इसने, नीचे गया मैंने ट्रेन की वीडियो बनाई सारी, जो पहले ट्रेन खड़ी हुई थी वो वीडियो नहीं रिकॉर्ड हुई, बहुत तंग कर रहा है यार ये फ़ोन, नया फ़ोन ना लेना पड़ जाए अभी यहाँ पे। भाई ट्रेन तो मेरे को ये बताई है जो स्टेशन पे आदमी था उसने, पर मेरे को लग नहीं रही है, मेरे को गड़बड़ लग रही है कि ये ट्रेन नहीं है, पता नहीं, चलो कुछ ऐसी है भाई, इनकी ये लोकल ट्रेन बताओ 1000 रुपये की। जैसा मैंने कहा था भाई कि गलत जाने लग रहे हैं, जो अपनी डेस्टिनेशन थी उससे मैं लगभग 7-8 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ, और कहीं और ही आके रुक गया हूँ, फंस गए भाई, एक बार बाहर निकलते हैं यहाँ से, शादी कर दी भाई बेल्जियम ने भी। भाई मेरे को नहीं पता मैं इनके शहर के किस कोने में आ गया, और अभी यहाँ से बाहर निकलने लग रहा हूँ, अब अपन कोई टैक्सी तलाशेंगे और टैक्सी लेके पहुँचते हैं, बहुत ही अजीब सी जगह है, कन्फ्यूजिंग सी। अब ये क्या है, टैक्सी के लिए इधर दिखा रहा है पर सिटी सेंटर तो उधर दिख रहा है मेरे को, ये स्टेशन वेशन एयरपोर्ट बहुत देख लिए, बाहर निकलता हूँ सड़क पे तभी दिमाग चलेगा, कल से मैं इन्हीं से गिरा हूँ, कभी एयरपोर्ट फिर दूसरे एयरपोर्ट फिर एयरपोर्ट के इस टर्मिनल फिर उस टर्मिनल, डिपार्चर अराइवल फिर ट्रेन स्टेशन बस स्टेशन, पागल हो गया सड़क पे निकल के अब दिमाग चलेगा। बाकी बेल्जियम है भी तो बहुत कन्फ्यूजिंग, यहाँ पे ना 4 लैंग्वेजेस बोली जाती है, डॉइच बोली जाती है यानी कि जर्मन, इसके अलावा डच भी बोली जाती है जो कि नीदरलैंड्स में बोलते हैं, इसके अलावा फ्रेंच भी बोली जाती है जो कि फ्रांस की लैंग्वेज है, और ब्रसल्स जो कैपिटल सिटी है ये बेसिकली बायलिंगुअल है, इधर मोस्टली सभी लोग फ्रेंच और डच दोनों ज़्यादा बोलते हैं, मतलब जर्मन थोड़ी कम बोलते हैं, इधर आमतौर पर डच या फ्रेंच ज़्यादा बोलते हैं, और उसके अलावा इंग्लिश भी, तो 5 लैंग्वेजेस चलती है स्टेशन में। ये वैसे खास बात है, अपने इंडिया में देखो किसी को 2 लैंग्वेज आए हिंदी और इंग्लिश और अपनी रीजनल लैंग्वेज 3 लैंग्वेज तो अपन सोचते हैं बहुत बड़ी बात है, पर यूरोप के कई देशों में ऐसा है लोग फ्लुएंटली 3-4 लैंग्वेजेस बिल्कुल आसानी से बोल लेते हैं। ये है भाई कुछ नज़ारे अब ब्रसल शहर के बाहर निकल के ट्रेन स्टेशन से, बहुत दूर आ चुका हूँ मेरी डेस्टिनेशन से, पता नहीं अपन किधर है। अब मैंने फाइनली ऊबर बुक करा लिया यहाँ से मेरे होटल की, जो कि पूरे 250 की, और शायद 250 तक ही मेरे रीइंबर्स होंगे मैक्सिमम, तो ऊबर लेके पहुँचेंगे। हालांकि 1.5 घंटा अपना ख़राब हो गया, आप लोग सोच रहे हो कितना बड़ा पागल है ये, पहले ट्रेन के पैसे दिए, पैसे इतने फिर वेस्ट करे, अब फाइनली दोबारा टैक्सी लेके जा रहे, तो बोल तो ठीक रहे हो, बोल लो कोई नहीं सही में पागल तो मैं, पर कोई नहीं यार मज़ा आया, ये जो एक्सपीरियंस था ना, चलो इस बार ने ट्रेन देख ली, ये पार्ट भी देख लिया सिटी का, धक्के खा लिए, और भाई कितने ही प्रिपेयर्ड हो गया जाओ, ये तो रिकॉर्ड है, कितनी एक्सपीरियंस ट्रैवलर हो कितने ही प्रिपेयर्ड हो गया जाओ, किसी भी नए देश में जाओगे पहले दिन परेशान हो गई होगे, सारी चीज़ें स्मूथली नहीं होती, या तो पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे या फिर टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। ये आ गई भाई ऊबर अपनी, सुलेमान या कैन यू ओपन द ट्रंक, यू स्पीक फ्रेंच, ओके Dutch, Netherlands, yeah. Netherlands, yes. Yeah. And Deutsch? Deutsch, no. No. English? No. No. Where are you from? Which country? Guinea. Guinea? Yeah. Guinea-Bissau or Conakry? Conakry. Why? I was in Guinea-Conakry 2 months ago. Ah, bo? In Conakry, yeah. Ah, okay. You know Dubreka waterfall? Dubreka. Yeah. Yeah, I was there. Dubreka. Ah. Before okay. I was in Conakry. Oh, you work in that? No, only traveling. West Africa. Okay. Guinea-Bissau, Guinea-Conakry. Why? Now, Freetown. After 2 days, yeah. From here, Freetown. Sierra Leone. Yeah. That's nice. Guinea people, really nice. Yeah. Yeah. Hey, why confirm? Huh? You. Why confirm? Why confirm? Yeah. You. Country. Well, oh, India. India. I come from India. Okay. Yeah. Are you Susu? No. Fula? Fula. Fula. Wait. Yeah. Fula.
in Guinea, Susu people, Fula people, Mandinka, Fula people, mostly businessmen, right? Mm-hmm. Business, yeah. Very smart people, Fula people. Yeah. Well. All commerce, Guinea, Fula people. Yeah. Right. True. Driving? Mandinka. Mandinka, okay. Oh. All pier, for outdoor. Okay. And Fishing? Fishing Susu. Susu, okay. Yeah. भाइयों जैसा कि आपने देखा ही होगा मेरी गिनी की वीडियोस में, मैंने बताया था आपको गिनी में तरह तरह के लोग होते हैं, सुसु लोग, फुला लोग, मंदिनका लोग, और आज ही मतलब गिनी से अपनी अगली डेस्टिनेशन हैपन टू बी बेल्जियम, और यहाँ से अपने को जाना है सीरा लियोन की कैपिटल फ्री टाउन, और भाई आया तो मैंने, मेरी आदत है ही यार मैं बात करता हूँ जो भी होते हैं ना, गाड़ी वाड़ी जो भी चलाते हैं लोग है सब, मतलब वैसे ही एक्ट करता हूँ मानो मैं भी इनमें से एक हूँ, तो भाई से बात करिए, अभी इनसे कौन बात करता होगा यार ऐसे देशों में, क्योंकि इनको पसंद नहीं करते ज़्यादा कि बाहर से आए हुए और ये सारी जॉब्स लेने लग रहे हैं, वो लोकल्स तो इतना करते नहीं जैसा मैंने जाना भी है। और भाई जब मैंने जिक्र करा गिनी के बारे में और तो इतना खुश हो गया कि मैं इसके देश भी गया हूँ, मेरे को इसके देश के लोगों के बारे में पता था क्योंकि मैं थोड़ी बहुत सर्च करता हूँ मेरी वीडियोज़ के लिए, और वो रिसेंटली अभी वीडियोज डाली थी तो मेरे याद भी था, अभी एक दो महीने पहले की बात है। ये कुछ मार्केट्स ही है ब्रसेल्स की, 2017 में आया था मैं यहाँ पे, यानी कि अब तो हो गए 7-8 साल हो गए। उस टाइम ना बहुत शांत था, भीड़ इतनी नहीं थी, और अब जो मैं देख पा रहा हूँ कि नॉन बेल्जियंस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, पहले सिर्फ लोकल्स दिखे थे मुझे, अब जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि अपन इंडियंस भी दिखे मुझे, अरब्स भी दिखे, ब्लैक्स भी दिखे, दूसरे धर्मों के लोग भी जैसे देख पा रहा हूँ मैं, मतलब बहुत ही ना मिक्स्ड सा हो गया डायस्पोरा, और बल्कि मेरे को तो लोकल से ज़्यादा ये दिख रहे हैं बाहर की अब की बारी, मतलब औरतें पूरी ढकी हुई सिर में, वो अब समझ ही रहे हो मैं बोलना ही चाह रहा भाई का, कहीं सोचे मैं इनके बारे में बात कर रहा हूँ, पर उस तरह के लोग ज़्यादा दिख रहे हैं इंस्टेड की, मतलब वेस्टर्न कपड़ों में लड़कियाँ हो यहाँ की, कमाल हो गया यार भाई, मुझे सही में ऐसे लगने लग रहा है मानो मैं किसी अरब देश में आ गया, सारे लोग मतलब सच बताऊं तो 80-90% लोग मेरे को वो दिखे जो यहाँ के 100% नहीं है, और जो गोरे भी यहाँ पे दिख रहे हैं 10-15% उसमें भी कोई भरोसा नहीं कि वो बेल्जियम की है, क्या पता आसपास के देशों के हो, जर्मनी के, फ्रांस के, स्विट्जरलैंड के, नीदरलैंड्स के, कुछ नहीं पता, मतलब यार कमाल ही हो गया, 7-8 साल हुए, हालांकि 2 ही दिन के लिए आया था पिछली बार मैं यहाँ पे, पर ऐसा कुछ नहीं देखा था यार मैंने, बिल्कुल भी नहीं, सब यहाँ के लोग गोरे दिखे थे और अब की बारी कोई दिखे नहीं रहा गोरा, पता नहीं क्या हो गया। चलो भाई घुसते अंदर, लग तो सही रहा ये वाला भाई, इन्होंने तो सेल्फ चेक इन काउंटर्स बना रखे हैं, रिसेप्शन मेरे को कहीं दिखने नहीं लग रही, और लग भी मस्त रहा है एरिया इनका, ये अपना इधर से चेक इन हो जाएगा यार, मेरी तो रिजर्वेशन ही दिखा रहा है ये है भाई अपना कमरा, अलग से ना वो रिसेप्शनिस्ट आई मेरी मदद करने के लिए, तो जिन लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती, कैंसिल फ्लाइट वाले होते हैं उनके लिए अलग से था प्रोसेस, तो उसने अपने सिस्टम में मेरा नाम डाला और मेरे को एक टोकन सा दे दिया शटल का, फ्री शटल है पर ऊबर भी फ्री है तो कल ऊबर ही ले लूँगा, और ये कुछ कमरे का आप नज़ारा देख सकते हो, डिनर इंक्लूडेड है, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, लंच के लिए अपन लेट हो चुके हैं पर कुछ खा के रिइम्बर्स करवा सकते हैं, बालकनी भी है खुलती हुई ना यार, बालकनी नहीं है तो बस खिड़की है, मीठी मीठी थकावट हो रही है भाई, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, बाकी इन देशों की एक खास बात है 7-8 बजे के बाद कुछ नहीं मिलता, सुपरमार्केट से कुछ सामान वामान लेना है तो टाइम से ले आओ, बाद में तो यहाँ कुछ मिलता नहीं, और बेल्जियम में तो मेरे को लगता है वैसे ही कुछ नहीं खुला रहता रात को, और जगह चलो नाइट लाइफ वगैरह तो है, मेरे ख्याल से ब्रसेल्स में तो वो भी नहीं है बिल्कुल भी, तो कुछ लाना होगा तो अभी हिम्मत करके ले आऊँगा, वरना नहा धो के थोड़ी देर आराम करता हूँ, 6-10 बजे के बीच में डिनर है, अपना डिनर खा लेंगे और सो जाएंगे, कल मिलते हैं आपसे आराम से, अपन पहुंचेंगे कैसाब्लांका और वहां से फिर सीरा लियोन, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको इतने दिन के बाद सफर अच्छा लगा होगा, धीरे धीरे फ्लो में आएंगे और ऐसे ही मजेदार कंटेंट आपको दिखाते रहेंगे, गुड बाय।